हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले तुम्हारे लिए मैंने ऊपर आई बटन के अंदर एक गिफ्ट ले रखा है, ठीक है? तो उस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेना। यदि आप वो गिफ्ट नहीं देखोगे तो फिर आपको यहाँ से लिंक नहीं कर पाओगे। तो आज हम टोटल 3 से 4 रिजल्ट करने वाले हैं। चार के चारों रिजल्ट आपके फाइनल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, बिकॉज इसके अंदर कनेक्शन बहुत है। आप किसी एक चीज़ को करने वाले हो तो आपका उसका दूसरे के साथ लिंक रहेगा। सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे रेकरेंस फॉर्मूले आते हैं हमारे पास फॉर गामा फंक्शन। सबसे पहला फॉर्मूला हमारे पास है कि इफ एन ग्रेटर देन वन इज एन रियल नंबर है, तो जो गामा ऑफ एन जिसको हम टाउ एन कह देते हैं इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू गामा ऑफ एन माइनस वन आप कह सकते हो। तो इसको आप गामा वैसे टाउ एन फंक्शन, टाउ फंक्शन होता है हमारे पास, जैसे सिग्मा होता है वैसे हमारे पास टाउ फंक्शन है, ठीक है? तो थोड़ा सा ध्यान से बैठना, कॉपी पेन आप साथ में लेकर बैठ सकते हो, चीज़ों को समझना है कहाँ पर की पॉइंट्स है, वो की पॉइंट तुमने पकड़ने, बाकी तुम्हारा हो जाएगा खुद से, ठीक है? तो इसे हम खुद से स्टार्ट करने की कोशिश कर लेते हैं, जो जो नॉलेज हमारे पास है। तो हमने हमारी नॉलेज को अप्लाई करते हुए स्टार्ट करना है। मान लीजिए जब आपने यहाँ पर प्रूव करना, आप अपने माइंड में लिख लिए कि हमें प्रूव क्या करना है, टाउ ऑफ एन को प्रूव करना कि ये हमारे पास एन माइनस वन इंटू टाउ ऑफ एन माइनस वन होता है। अब बाई डेफिनेशन यदि हमें पता है कि टाउ एन ऑफ, तो हमारे पास कल सर ने करवाया था, 0 से लेकर इन्फिनिटी होता है, एक्स की पावर एन माइनस वन ए की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स होता है, ये हमारे पास है। इसका मीनिंग यदि आप इसका आंसर निकाल रहे हैं इन दिस फॉर्मेट, और यहाँ पर आपको जो प्रूफ करना है वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। जो चीज़ आप प्रूफ करना चाहते हैं, हम यहाँ पर टाउ एन माइनस वन लेकर आना चाहते हैं, तो वो किसके इक्वल होगा, 0 से लेकर इन्फिनिटी होगा। एक्स की पावर एन माइनस वन ऑलरेडी एक और कम करेंगे तो यहाँ पर एन माइनस टू मिल जाएगा, ए की पावर आपको माइनस एक्स इंटू डी एक्स होगा। तो हमारे पास कहीं ना कहीं कुछ ऐसी इंटीग्रेशन आपको चाहिए। तो ऐसी इंटीग्रेशन आपके पास कैसे आ सकती है डियर्स, तो जहाँ से आपके पास दो नंबर्स हैं, लाइक आपको इंटीग्रेशन का आंसर वापस इंटीग्रेशन के अंदर चाहिए, तो हमारे इस पास जो दे रखे हैं हमें उसकी इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। इंटीग्रेशन जब भी आप करेंगे तो आप आईलेट मेथड का यूज़ कर पाएंगे। आईलेट के अकॉर्डिंग आपका जो अल्जेब्रिक फंक्शन है जो आपका फर्स्ट बन जाएगा, और ये आपके पास सेकेंड फंक्शन का काम करेगा, ठीक है डियर? तो होता क्या हमारे पास कि हमारे पास जो फर्स्ट फंक्शन एज इट होता है, सेकेंड के हम यहाँ पर इंटीग्रेशन कर देंगे, फिर माइनस बिग वाली इंटीग्रेशन के अंदर फर्स्ट का आपका डेरिवेटिव चलेगा, और इनटू इंटीग्रेशन ऑफ आपका जो सेकंड फंक्शन उसकी इंटीग्रेशन चलेगी, और इन दोनों के आंसर का फिर से एक बार इंटीग्रेशन होगी। ये हमारे पास फॉर्मूला रहता है। तो जैसे हम इसको अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट एक्स की पावर एन माइनस वन एज इट है हमारे पास, ए की पावर माइनस एक्स की इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है आपके पास? और लिमिट जो आप लगा रहे हो वो कंबाइन आप 0 से लेकर इन्फिनिटी लिख सकते हो, माइनस हमारे पास 0 से लेकर इन्फिनिटी फर्स्ट फंक्शन जो कि एक्स पावर एन माइनस वन, इसका आपने डेरिवेटिव करना है, साथ में ए की पावर माइनस एक्स की इंटीग्रेशन करनी है, और इसको एक ब्रैकेट में लिख लो, और इसकी इंटीग्रेशन आपकी फिर से होगी। अब डियर जब आप पहले फंक्शन की तरफ जाओगे तो आपको एक्स की पावर एन माइनस एन तो एज इट मिलेगा। अब ए की पावर माइनस एक्स की जो भी इंटीग्रेशन करोगे तो ए की पावर माइनस एक्स आएगा, लेकिन जो साथ में इसकी पावर है ना, तो इसका पावर का जो डेरिवेटिव आता है वो माइनस वन आता है। माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन आता है, वो आप उसके साथ डिवाइड करोगे, जो आपके पास इंटीग्रेशन के रूल्स हैं। होप्स आपको इंटीग्रेशन आती होगी प्लस टू के अंदर, ठीक है? और दूसरा 0 से लेकर इन्फिनिटी करोगे तो यहाँ पर आपके पास इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पावर हमारे पास आगे आ जाएगी एक्स की, और एक पावर कम करने पर एन माइनस टू आपको मिल जाएगा, बिकॉज ऑलरेडी हमारे पास एन माइनस वन है, और एक माइनस और वन करने पर आपके पास माइनस के टू हो जाएंगे, और इंटीग्रेशन आ रही थी इसकी माइनस ऑफ एक्स, और नीचे आपका माइनस ऑफ वन आ जाएगा, डी ऑफ एक्स आपके पास चलेगा। अब पहले वाले पार्ट को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर आपके पास माइनस का एक्स पावर माइनस वन बच रही है, ए की पावर माइनस एक्स बच रही है, 0 से लेकर हम लोग जहाँ पर इन्फिनिटी तक आने वाले हैं, और जहाँ से दूसरे वाले पार्ट के अंदर आपका माइनस माइनस से मैं आपका प्लस करवा देता हूँ, 0 से लेकर आपका इन्फिनिटी है, और एन माइनस वन हम यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। कौन सा एन माइनस वन सर जी? तो मैं ये वाला एन माइनस वन बाहर निकाल लेता हूँ। इन साइड हमारे पास एक्स की पावर एन माइनस टू बचेगी, ए की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स बच रहा है, ये हमारे पास हो जाएगा प्रॉपर यहाँ से। अब मेन प्रॉब्लम क्या आएगी आपकी, इस वाले पार्ट की प्रॉब्लम आएगी। अब यहाँ पर आप जब जैसे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, और 0 पुट करने पर इसका आंसर कितना आएगा, तो इसके लिए ना हम थोड़ा सा इसको साइड में ले आकर आप इसको सॉल्व कर लें। आप इसको नंबर 1 कह के रख लो। तो जैसे माय डियर स्टूडेंट, आप यहाँ से आप इसके अंदर इन्फिनिटी पुट करोगे, लाइक आप एक्स की वैल्यू को इन्फिनिटी पुट करना चाहते हो आपकी लिमिट की तरह, ठीक है? तो आपके पास इन्फिनिटी की पावर एन माइनस वन आ जाएगी, और ए की पावर माइनस इन्फिनिटी आपके पास इन्फिनिटी की पावर एन माइनस वन आ जाएगा, नीचे जाकर ए की पावर माइनस इन्फिनिटी आपका प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है? तो इनसाइड ऊपर आपके पास इन्फिनिटी की पावर आप कितने भी करो इन्फिनिटी रहेगा, लेकिन नीचे आपका के पास क्या आ जाएगा डियर, यहाँ पर एक बार ये चीज मेंशन कर लो कि आपका बिकॉज हमें दे रखा है एन ग्रेटर देन वन, तो यदि एन ग्रेटर देन वन तो एन माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, इसलिए आपका जी वाला का जो स्टेप है ना, ये आपकी इन्फिनिटी आपकी न्यूमिनेटर में ही होल्ड करेगी। बिकॉज जब इसे आप प्रूफ करने जाओगे तो आपने देख लेना कि हमें एन ग्रेटर देन वन के ऊपर काम करना है,
तो एन ग्रेटर देन वन ना, तो यहाँ से ये श्योरिटी आपको मिल जाएगी कि आपके ये वाले जो इन्फिनिटी है आपके न्यूमिनेटर में ही रहने वाले, बिकॉज इसकी पावर पॉजिटिव है। तो इन्फिनिटी की पावर पॉजिटिव मीन आपकी स्टिल इन्फिनिटी रहेगी, लेकिन नीचे जब आपके पास ये जो एक बार माइनस इन्फिनिटी था, तो जहाँ पर नीचे आपके पास ए की पावर इन्फिनिटी, आप इन्फिनिटी इसको लिख सकते हो, ठीक है जी। तो जब आपके पास इन्फिनिटी वो इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी, तो इसका मतलब आप ऐसे डायरेक्ट इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। तो यदि आप डायरेक्ट नहीं करोगे तो फिर आप इसको ना लिमिट लेओ कि लिमिट आपकी एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी है, हमारे पास एक्स की पावर एन माइनस वन है, माइनस को छोड़ दीजिए ऊपर, कोई बात नहीं बाद में लगा देंगे। तो यहाँ पर जब आपके पास इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म होती, तो राजी हम यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल लगा लेंगे। तो आपने यहाँ पर देखा होगा एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है हमारे पास, जी वाला, बिकॉज ऑफ एल हॉस्पिटल रूल रिपीटेड एन माइनस वन टाइम। इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, इस रूल के अकॉर्डिंग यदि आपके पास लाइक आपका लिमिट आप लगा रहे हो किसी नंबर ए को, और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स ओवर जी एक्स आपके पास दो नंबर थे, और आपका ये जीरो बाई जीरो या फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बनता, तो इनका जो आंसर रहेगा वो इक्वल टू इनका आप सिंगल डेरिवेटिव कर लो और नीचे भी डेरिवेटिव करो, और या फिर आप इनका लिमिट एक्सटेंडिंग लिमिट आपने सेम रखनी है, लेकिन आप कितने भी डेरिवेटिव यदि कर लेते हो दोनों के ऊपर और नीचे दोनों के डेरिवेटिव, तो आपका आंसर सेम रहेगा। तो ये एल हॉस्पिटल हम यहाँ पर भी अप्लाई कर देंगे हमारे केस के अंदर। डियर हम क्या करेंगे इसका ना एक सिंगल डेरिवेटिव कर लेंगे, तो जैसे आप सिंगल डेरिवेटिव करोगे तो ऊपर एन की पावर माइनस वन आगे आ जाएगी और एक पावर आपकी कम हो जाएंगी, तो माइनस का टू आ जाएगा एक्स की पावर, ठीक है, और यहाँ पर एक्स की पावर आपके पास आएगी इतनी, और नीचे आपका एक ही बार माइनस एक्स का जो डेरिवेटिव आएगा वो एक ही बार माइनस एक्स आएगा, साथ में आपको माइनस वन देखने को मिलेगा, ठीक है। पर अरे नीचे तो आपका प्लस आ जाना था ना, नीचे आकर तो जो प्लस हो जाएगा सॉरी, तो आपको यहाँ पर प्लस ही मिलेगा, तो ये आपके पास इतना। और यदि आप फिर से इन्फिनिटी पुट करते तो अभी भी आपको यहाँ पर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म मिल जाएगी, तो आपने तब तक इसे करते रहना जब तक एन की पावर आपके पास एक्स की सारी की सारी पावर आगे नहीं आ जाती। तो जब आपके पास एक्स की पावर जीरो बचेगी तो अपने आप आपका वन रहेगा, ठीक है। तो हम इसे क्या करेंगे टोटल एन माइनस वन टाइम्स। अब होगा क्या कि बिकॉज आपकी स्टार्टिंग पावर एक्स की एन माइनस वन है, तो मेरे को कितने स्टेप कितने टाइम्स आपको इसको करना है डेरिवेटिव, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा कितने टाइम मतलब एन माइनस वन टाइम्स है ना। यदि आप फर्स्ट टाइम करते हो तो आपके पास एन माइनस टू आ जाता है, सेकंड डेरिवेटिव नेक्स्ट वाले डेरिवेटिव के अंदर आपको एन माइनस थ्री मिलेगा, तो एक बार करने पर आपको ये टर्म मिलती है, दो बार करने पर आपको ये टर्म मिलती है। तो हमें कब तक करना है कि जब तक हमारा वो नंबर जीरो ना हो जाए, ठीक है। तो जहाँ से आपका वन डेरिवेटिव हुआ यहाँ तक जाने के लिए आपके टू डेरिवेटिव हुए हैं, तो ये आपका एन माइनस थ्री था। तो ऐसे ही आप बार बार करते जाओ कि हमारे पास टोटल नंबर वन रह जाए, ठीक है, बिकॉज ये चीज़ें आगे भी आपके पास आ रही है, आगे भी आपके पास ये चीज़ें आ रही है ना। जैसे आपका एक्स पर एन माइनस वन आप डेरिवेटिव कर रहे हो, थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ, यहाँ से आप ना ऐसे एग्जाम्पल ले लो, आपने मान लो एक्स की पर फाइव आ, तो आप इसका सिंगल डेरिवेटिव, यदि आपका जी एफ ऑफ एक्स है ना, आपको डाउट है कि सर कितने टाइम्स डेरिवेटिव करना, तो जस्ट एक मिनट मेरे को देना। यदि आप सिंगल डेरिवेटिव करो तो आपका फाइव इंटू एक्स पर फोर आ जाएगा, ठीक है, और यदि आप इसका डबल डेरिवेटिव कर लेते हो तो आपको यहाँ पर फाइव इंटू फोर इंटू एक्स पावर थ्री आ जाएगा। ट्रिपल डेरिवेटिव कर लेते हो तो आपके पास 5 इंटू फोर इंटू पावर आगे आ रही है, मैं उसको लिख रहा हूँ डॉट के साथ मल्टीप्लाई के अंदर, ठीक है, और आपका फोर्थ डेरिवेटिव आ जाना था 5 इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू एक्स पावर वन आ जानी थी, और आपका जो फिफ्थ डेरिवेटिव आएगा इसका उसके अंदर आपको 5, 4, 3, 2 और खास वन मिलेगा। तो फिफ्थ डेरिवेटिव के अंदर है ना, लाइक आपका जो फिफ्थ डेरिवेटिव आ रहा है वहाँ पर आपको एक्स आपके यहाँ से खत्म हो जाएगी। तो हुआ क्या कि जितनी पावर आपकी मैक्सिमम थी, जैसे 5 थी तो आपको 5 डेरिवेटिव करने पड़ेंगे, ठीक है। तो हमारे केस के अंदर एक्स की पावर कितनी है, एन माइनस वन है, तो पूरी पावर को आगे लेकर आने के अंदर हमें जहाँ से एन माइनस वन टाइम्स डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो इस लाइन का मीनिंग मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप भी यहाँ से डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। जैसे हमारे पास जितनी बार आप डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ पर हम एन माइनस वन टाइम करेंगे, लेकिन नीचे वाला डिनोमिनेटर आपका ई एक्स है, तो उसका डेरिवेटिव बार बार करने पर भी वो आपका ई ऑफ एक्स ही रहेगा, ठीक है डियर। तो जब आप इसका आंसर निकालोगे तो हमारे पास जो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी है, आप इसको लिखोगे एक्स पर एन माइनस वन ओवर ए की पावर एक्स है, तो पहला आपका ये आ जाएगा, फिर आपका और आ जाएगा, फिर आप एन माइनस थ्री, और चलते चलते जो आपके पास 3, 2 और 1 तक चलेगा। कैसे सर जी पता चला ऐसे बनेगा, तो जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर आपका पूरे का पूरा जो 5 फैक्टोरियल ही रेडी हो जाएगा। स्टार्टिंग के अंदर एक्स की पावर भी 5 थी और इसका आंसर भी आपको फिफ्थ डेरिवेटिव जाते जाते 5 फैक्टोरियल मिल जाएगा ऑन द सेम लाइन। हमारे पास x की पावर n माइनस वन है न्यूमरेटर के अंदर, तो इसका जो आप करोगे डेरिवेटिव तो वो n माइनस वन का फैक्टोरियल, नीचे आपका e ऑफ x ही रहने वाला है। तो ऊपर आपका n माइनस वन फैक्टोरियल, नीचे आपके पास x है डियर। अभी यदि आप इन्फिनिटी पुट कर लेते हो लिमिट को तो ऊपर आपका कुछ नहीं आएगा, लेकिन नीचे e की पावर इन्फिनिटी आ जाएगी। हमें सभी को पता है कि 1/∞ आपके पास जीरो होता है, 1/∞ हम सभी को पता है कि आंसर कितना आएगा, जीरो। तो इसलिए आप जब यहाँ पर करोगे इसका आंसर,
तो जैसे आप इसके अंदर ऊपर अपर लिमिट पुट करोगे ना, इसी सम के अंदर जैसे हम यहाँ पर लिमिट्स पुट करेंगे, एक बार आपको अपर लिमिट पुट करनी है एक्स की जगह और फिर आपको लोअर लिमिट पुट करनी है, तो अपर लिमिट पुट करते ही आपका आंसर जीरो आ जाएगा। उस सभी का रीज़न आप यहाँ पर दे सकते हो, ठीक है, रीज़न होगा उसका प्रॉपर। तो हम यहाँ से क्वेश्चन नंबर वन के पास वापस जाएंगे, टाउ एन से स्टार्ट करें, तो यहाँ पर आपका माइनस जीरो आ जाएगा और फिर माइनस माइनस प्लस, बिकॉज ऑलरेडी आपके पास यहाँ पर माइनस लग रखा है, तो अपर लिमिट करेंगे तो ये माइनस में जी वाला शुरू कराऊँ तो माइनस फिर हम लोअर लिमिट करते हैं, और लेकिन माइनस ऑलरेडी तो आपका प्लस आ जाएगा। अब लोअर लिमिट के अंदर आपके पास क्या रहेगा, जैसे आप करोगे तो आपके पास जीरो की पावर एन माइनस वन आ रही है और साथ में ए की पावर जीरो भी है, और दूसरे वाला जो टर्म आपके पास था वो मैंने आपको दिखा दिया कि वो आपका टॉ ऑफ एन माइनस वन प्रॉपर बन रहा है ना, वो हमने यहाँ पर कर दिया था कि वो आपके पास प्रॉपर ये वाला, यदि आप इसको लिखोगे तो यहाँ पर एन माइनस वन है मतलब यहाँ पर एक्स है, इधर आपको एक्स दिख रही है जीरो से लेकर इन्फिनिटी आ रही है, और जितनी भी पावर एक्स को दे रखी है आप उसके अंदर प्लस वन करोगे तो एन माइनस वन प्लस टू आपके पास इधर एन माइनस वन आ जाएगा, वो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से टॉ ऑफ एन का आंसर आ गया, ये आपका जीरो था। अब जीरो की पावर एन माइनस वन, मैंने आपको बोला था कि एन ग्रेटर देन वन है तो एन माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, तो एक जीरो पॉजिटिव नंबर बनेगा, और किसी जीरो की पावर आप कोई पॉजिटिव नंबर ले रहे हो, फाइनाइट नंबर ले रहे हो, तो वो आंसर जीरो आता है, तो इसका आंसर जीरो आ जाएगा। तो हमारे पास एन माइनस वन इंटू टॉ ऑफ एन माइनस बनेगा, तो हमारा जो आज का पहला रिजल्ट था टॉ एन इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू टॉ ऑफ एन माइनस वन डी, वो आपके पास प्रूव हो गया। इस पूरे सम के अंदर खाली मैंने आपको यहाँ पर थोड़ा सा टाइम दिया रखा है कि जब आप इसके अंदर ना इन्फिनिटी पुट करोगे अपर लिमिट, तो आपकी बुक के अंदर वो डायरेक्ट जैसे ये रिजल्ट दे रखा है ना कि ये वाला पार्ट का प्रॉपर उन्होंने यहाँ से हाइड कर दिया कि ये तो खत्म ही हो जाएगा आपके पास, खाली जीरो लिख रखा है। अब उसका जीरो का जो रीज़न है कि आप जैसे अपर लिमिट पुट करेंगे तो अपर लिमिट आप पुट करते हो इन्फिनिटी में, इन्फिनिटी फॉर्म बनती तो उसको प्रॉपर सॉल्व यहाँ से करवा दिया, ठीक है, इतना आ जाएगा। और लोअर लिमिट आप पुट करते तो वो आपकी एक्स की प्रेजेंस के कारण वो आपका जीरो बन जाएगा। अब जब आपने जी वाला आंसर पुट करा और फिर मैंने आपको दिखाई दिया था कि जब आप इसके अंदर जाकर आगे जाकर यहाँ पर ई की पावर जैसे ना एक्स है तो इन्फिनिटी पुट करोगे तो ई की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी रहेगा और वन ओवर इन्फिनिटी आपका जीरो, इसलिए आपका जी वाला सम जहाँ से जीरो जाएगा। तो रेकरेंस रिजल्ट मैंने आपके लिए करा, और ये रेकरेंस रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि टाउ एन या फिर गामा ऑफ एन इजकल टू एन माइनस वन ऑफ गामा ऑफ एन माइनस वन होता है। अब दूसरा इससे भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि हम जहाँ से वैल्यू ही निकालने वाले हैं इसकी, ठीक है, अब हमें क्या है कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर हम क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर हमें दे रखा है कि यदि हमारा एन ग्रेटर देन वन इज एन इंटीजर है तो टाउ एन इज इक्वल टू एन माइनस वन फैक्टोरियल के इक्वल होता है, और यहाँ पर वर्ड यूज रखा है इज एन इंटीजर, यदि इंटीजर है देन यू कैन यूज इट एज कि आपका टाउ एन इज इक्वल टू एन माइनस वन फैक्टोरियल के इक्वल होगा, इसे भी हमें यहाँ पर प्रूफ करना है डियर, ठीक है। हम प्रूफ करना चाहते हैं कि टॉ एन इज इक्वल टू एन माइनस वन फैक्टोरियल, और इसका प्रूफ हम अभी से स्टार्ट करेंगे कि अभी अभी हमने न्यूली प्रूफ करा है कि टॉ ऑफ एन तो इज इक्वल टू एन माइनस वन ऑफ टॉ ऑफ एन माइनस वन होता है इसका नंबर वन। अभी मेरे को इसकी वैल्यू चाहिए तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसी के अंदर रिप्लेस कर देते हैं हम एन को एन माइनस वन, तो जैसे आप यहाँ पर रिप्लेस करोगे तो यहाँ पर आपके पास एन माइनस वन माइनस वन आ जाएगा, तो टॉ एन माइनस वन का आंसर एन माइनस टू आ जाएगा, टॉ ऑफ एन माइनस टू आ जाएगा। इसके लिए आप यहाँ पर पुट कर देना तो आपके पास टॉ ऑफ एन इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू टॉ ऑफ एन माइनस टू आ जाएगा, नंबर आपके पास थ्री चला जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, हमें इसकी वैल्यू चाहिए टॉ एन माइनस टू की, तो आपको वैल्यू मिलेगी कहाँ से, वो वैल्यू आपको इसी रिलेशन के अंदर बने से क्वेश्चन नंबर वन के अंदर से ही मिलेगी। तो फिर से आप लिख सकते हो कि हमारा जो वन है वो रिप्लेस हो जाएगा टॉ ऑफ एन माइनस टू आ जाएगा, और इस तरफ भी एन माइनस टू बाहर माइनस वन है, हम यहाँ पर पुट करें हैं ये चीज़ ध्यान से रखना, हम यहाँ पर पुट करें एन को, इस तरफ एन को हम एन माइनस टू पुट करें, यहाँ भी एन को एन माइनस टू पुट करेंगे, ठीक है। तो टॉ के अंदर एन माइनस टू आ जाएगा, माइनस वन ऑलरेडी था, तो टॉ ऑफ एन माइनस टू का आंसर यहाँ से एन माइनस ऑफ थ्री, और इस तरफ ही एन माइनस ऑफ थ्री आ जाएगा। तो इसी वैल्यू को आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर थ्री के अंदर पुट कर देना है, तो आपके पास टॉ ऑफ एन आ जाएगा एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री इंटू टॉ ऑफ एन माइनस थ्री है। तो अब यहाँ से आगे आप कैसे कर सकते हो इसको, सो ऑन हम यहाँ से कंटिन्यू करवा देंगे कि हमारे पास ये देखो हम यहाँ तक कर दिया मैंने आपके लिए, ठीक है, यहाँ तक। अब ऐसे ही यदि हम आगे बार बार करते चले जाएंगे तो अब थोड़ा सा ध्यान से कि हमारे पास स्टेप देखो क्या हो रहा है कि यहाँ से n माइनस वन था तो वहाँ से एक कम हो गया, एक कम हो गया, एक कम। अब n के अंदर से आप माइनस कर रहे हो, आप n यदि आपका 10 है, यदि आपका n 10 है तो पहली टर्म आपकी n माइनस वन आ रही, मतलब 10 9 आएगी, फिर आपकी 8 आएगी, फिर 7 आएगी, फिर ऐसे ऐसे चलते चलते आपका आंसर 1 तक करना चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव नंबर हम लेकर चलेंगे। तो यहाँ से एक ट्रिक निकल कर सामने आ रही है कि आप देख सकते हो कि वी कैन राइट इट एज कि हमारा टॉ ऑफ n इज इक्वल टू n माइनस वन एन माइनस टू
एन माइनस थ्री, और जब चलते थे आपका थ्री थ्री टू और वन, जब जहां पर वन होगा तो यहाँ पर टॉ के अंदर आपको वन देखने को मिलेगा, आपका बाहर वन होगा तो टॉ के अंदर वन, बिकॉज ना यदि यहाँ पर एन माइनस थ्री है तो बाहर एन माइनस थ्री है, आपने देखा होगा यहाँ पर एन माइनस टू यहाँ पर एन माइनस टू है, तो लास्ट टर्म तो ये हो सकती है कि हमें इंटीजर एन हमारा इंटीजर होना चाहिए, तो यहाँ पर यदि वन है तो बाहर भी वन रहेगा, तो इन साइड जो बाहर आपके पास रहता है ना पूरे का पूरा जी एन माइनस वन से लेकर एन तक जा रहा है, जो आपका एन माइनस वन फैक्टोरियल तो हो चुका है। अभी हमें वैल्यू निकालनी टाउ वन की, टाउ वन की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, डेफिनेशन ले लो जीरो से लेकर आपके पास इन्फिनिटी है, यहाँ पर आपके पास e की पावर माइनस ऑफ एक्स और एक्स की पावर आपके पास इससे एकम आएगी, वन माइनस वन आएगी ना, वन माइनस वन इंटू डी एक्स। अब यहाँ से आपके पास जीरो से लेकर इन्फिनिटी है, ए की पावर माइनस ऑफ एक्स है, जहाँ पर एक्स की पावर आपके पास जीरो आ जाएगी और जो कि आपका वन बन जाएगा। अब ए की पावर माइनस एक्स की इंटीग्रेशन की पावर माइनस एक्स, नीचे आपको माइनस वन से डिवाइड करना पड़ेगा, जीरो से लेकर आपका इन्फिनिटी की तरफ चल रहा है आंसर। माइनस बाहर आप निकाल लीजिए, अपर लिमिट आप पुट करोगे माइनस के इन्फिनिटी, फिर माइनस आप पुट करोगे लोअर लिमिट, ठीक है जी वाली, और आपके पास क्या आ जाएगा, जे नीचे जाकर इन्फिनिटी बन जाएगी और ये नीचे बनकर ई पावर जीरो हो जाएगा आपके पास। माय डियर स्टूडेंट आपके पास होगा यहाँ से वन ओवर इन्फिनिटी, ये वन ओवर इन्फिनिटी बन जाएगा और ये वन ओवर आपका वन बन जाएगा ई की पावर जीरो, और ये आपका वन ओवर इन्फिनिटी जीरो होता है, वन ओवर वन वन होता है, बाहर भी माइनस लगा हुआ आपके पास, इनसाइड भी माइनस है, तो माइनस से माइनस आपका कैंसिल होकर प्लस वन आंसर आ जाएगा। तो ये प्लस वन आंसर किसका है, हम सिर्फ इस वाले पार्ट को सॉल्व करें, ठीक, अभी हम सिर्फ इस वाले पार्ट को सॉल्व करें, ये वाले, ये हम टाउ ऑफ वन की वैल्यू निकालना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टाउ वन, तो टाउ वन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, वन आ गई, तो आप यहाँ पर पुट कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है जी। हमने यहाँ पर ये जो वैल्यू निकाल रखी है, ये वाली वैल्यू जो आपको दिख रही होगी वो हमारे पास वैल्यू है टॉ ऑफ वन की वैल्यू है, हमने डेफिनेशन अप्लाई कर रखी है, तो करते 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 आपके पास आंसर कितना आ गया, प्लस वन आ गया। तो यदि प्लस वन आ गया तो वाई इक्वेशन नंबर यदि हमने यहाँ पर भी प्रूव करी थी मैंने आपके लिए, ये वाली इक्वेशन, इसको आप कुछ स्टार मार्क कर सकते हो, तो स्टार से देखो कि टाउ एन आपका एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री, या फिर आप इस वाली इक्वेशन को भी मार्क कर सकते हो, बिकॉज अभी हमने जो आंसर निकाला वो टॉ वन का ही हमने आंसर निकाला वन, तो आपके पास यदि इक्वेशन नंबर आप स्टार की बात करते हो तो देयरफॉर वाई स्टार हमारे पास क्या होगा, टाउ ऑफ एन इज इक्वल टू एन माइनस वन फैक्टोरियल इंटू वन होगा, और टाउ ऑफ एन इज इक्वल टू फाइनली एन माइनस वन ऑफ फैक्टोरियल हमारे पास हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल वैल्यूज के अंदर जब कभी भी हमारे पास एन हमारी ग्रेटर देन वन रहेगी, आई एम गोइंग टू रिपीट, न्यूमेरिकल वैल्यूज के अंदर जब भी हमारे पास गामा फंक्शन की वैल्यू जिसके अंदर लाइक आप फाइंड करना चाहते हो गामा फंक्शन वन टू थ्री फोर फाइव, तो वो उससे एक कम फैक्टोरियल के इक्वल होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए हो जाएगा आराम से। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम यहाँ पर करने वाले हैं, वो थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है, जिसके अंदर जो कि इंपॉर्टेंट होगा। अब हम बोल रहे हैं कि इट इज़ ओनली वैलिड कि जब आपके पास एन ग्रेटर देन जीरो रहेगा, लेकिन यदि एन आपका फ्रैक्शन में आता तो फिर आंसर कैसे आप कर पाओगे, उसके लिए एक रिजल्ट यहाँ पर बना रखे उन्होंने कि हमारे पास यदि टाउ ऑफ वन, हमें प्रूव करना है कि टाउ वन बाय टू यदि हमारे पास आ जाता तो ये इक्वल टू रूट पाई होता, जी हम कैसे कर पाएंगे यहाँ पर, ठीक है, हमें प्रूव करना है, वो आप अपने माइंड में लिख लीजिए, हमें टू वन बाई टू को प्रूव करना है अंडर रूट ऑफ फाइव। अभी तक आपके पास रिलेशन कौन सा चल रहा है, हमें पता है वी नो दैट हमारे पास एक कल ही हमने करा था बीटा ऑफ एन फंक्शन, ठीक है, बीटा ऑफ एन इज इक्वल टू हमारे पास टाउ ऑफ एम था, टाउ ऑफ एन था, और नीचे हमारे पास टाउ ऑफ एम प्लस एन माइनस ऑफ वन था, ये हमने कल करा था, ठीक है, हमारे पास रिजल्ट है और यहाँ पर वन होता है, ठीक है, ये हमने कल करा था। अब यहाँ पर होगा कि हम वैल्यू निकालना चाहते हैं वन बाई टू की, टॉ के अंदर वन बाई टू आपका जे यहाँ पर हो सकता है, और यहाँ पर भी हम यहाँ पर टी कर लेते हैं कि हमारे पास एम इज इक्वल टू वन बाई टू कॉमा एन इज इक्वल टू वन बाई टू, दोनों के दोनों वन बाई टू कर लिए, तो यहाँ पर बीटा के अंदर वन बाई टू आ जाएगा, वन बाई टू आ जाएगा, और यहाँ पर टॉ के अंदर वन बाई टू आ जाएगा, प्लस हमारे पास टॉ के अंदर वन बाई टू आ जाएगा, और नीचे हमारे पास क्या रहेगा डियर स्टूडेंट्स, नीचे हमारे पास टॉ के अंदर वन बाई टू प्लस वन बाई टू आ जाएगा, ये रहेगा, होगा क्या, जहाँ पर हमारे पास बीटा ऑफ वन बाई टू हमारा वन बाई टू एज इट है, और ऊपर देखो आपके पास हो क्या रहा है, ऊपर मल्टीप्लीकेशन है, ऊपर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है जी, ऊपर आपके पास दोनों के दोनों टाउ ऑफ वन बाई टू है, तो हम यहाँ पर इसका स्क्वायर करवा देंगे कि ये हमारे पास इसका स्क्वायर हो गया, और नीचे आपके पास क्या बन रहा है टाउ ऑफ वन बाई हाफ प्लस अब हाफ प्लस वन बन रहा है, और अभी हमने कहा टाउ वन इज इक्वल टू वन ही होता, वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास बीटा ऑफ वन बाय टू कॉमा वन बाय टू इज इक्वल टू आपका टॉ ऑफ वन बाय टू ही आंसर रहेगा, ठीक है, बिकॉज डिनोमिनेटर के अंदर आपका वन आ रहा है, तो उसका हमारे पास, और इसका यहाँ पर आपके पास स्केयर भी दे रखा है, ठीक है, स्केयर है, और नीचे वाले टॉ वन का आंसर वन रहेगा। अभी हमें क्या करना है, यहाँ से टॉ वन बाय टू को मैंने एक तरफ ले लिया और इसका स्केयर साथ में,
ये डिपेंड करता है बीटा 1/2 कॉमा 1/2 के ऊपर, और बीटा का ही आंसर हमारे पास था। यदि आपको याद होगा बीटा की डेफिनेशन यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं, 0 से लेकर हमारे पास 1 होती है, पहला नंबर एक्स है इसकी पावर एम जितने भी है माइनस वन करना होती है, फिर 1 - x की पावर एन माइनस वन करना होता है, साथ में डी एक्स हमने डेफिनेशन लगा दी, इसके ऊपर बीटा 1/2 के ऊपर डेफिनेशन लगा दी। तो यहाँ पर बीटा 1/2 की हमारे पास क्या है, स्क्वेयर है, ठीक है जी। बीटा 1/2 की हमारे पास क्या स्क्वेयर है, तो अभी आपको स्क्वेयर को बाद में हम देखेंगे, सॉल्व करेंगे, पहले हम क्या करना है, इस तरफ थोड़ी जो साइड बन रही है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास 0 से लेकर 1 आ रहा है, और यहाँ से आपके पता है एक्चुअल में हो क्या रहा है, अब यहाँ पर यदि एल्स में लेंगे तो लाइक आपने 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो आपका यहाँ पर एक्स की पावर 1 - 2/2 आएगा, और सेम एज इट यहाँ पर 1 - 2/2 आएगा आपके पास, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास टॉप 1/2 जो आपके पास आ रहा है स्क्वेयर के अंदर, तो यहाँ से 0 से लेकर 1 है, एक्स की पावर आपके पास -1/2 और 1 - x की पावर -1/2 इंटू डी एफ एक्स हमारे पास है, टॉ ऑफ 1/2 हमारे पास एज इट है। यहाँ से 0 से लेकर 1 की तरफ यदि हम देखते हैं तो ये हमारे पास 1/2, जैसे आपका ऊपर है ना रूट एक्स, नीचे आके रूट बन जाएगा, और ये भी आपका नीचे आके रूट 1 - x बन जाएगा इंटू डी एफ एक्स हमारे पास। पहले इतना देख लो हमने क्या करा, फिर इसको मैं एक बार प्रॉपर हम देख भी लेंगे कि कौन कौन से स्टेप है, कौन कौन से की पॉइंट आपने कीप इन माइंड करने, ठीक है जी, आपका ध्यान करना। और अभी जब हम आगे चलेंगे तो अभी आप इसको प्रॉपर सॉल्व कैसे कर पाएंगे, तो जब भी आपके पास ये अनरूट आता है और एक एक्स और दूसरा आपका 1 - x होता है, तो हमारे पास दो चॉइसेस रहते हैं, आइदर वी कैन टेक अवर एक्स एज अ साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पर क्या लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास जो टेक कर लेते हैं, हमारे पास अनरूट है ना, तो एक्स को हम पुट कर लेते हैं साइन स्क्वायर ऑफ थीटा कर लेते हैं। तो ठीक है, जैसे आप पुट करोगे तो जहाँ से आपका जो थीटा है कि इसकी वैल्यू हम निकालेंगे कि हमारा साइन थीटा इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स रहेगा, और व्हेन आपके पास डियर एक्स इक्वल टू 0 रहेगा तो साइन थीटा आपका 0, तो यहाँ से थीटा की आपका 0 डिग्री आ जाएगा। और माय डियर स्टूडेंट जब आपके पास एक्स कितना होगा 1 होगा, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा आपके पास 1 आएगा, तो ओनली साइन थीटा भी आपका 1, बिकॉज ये जो स्क्वायर आपके पास है दूसरी तरफ जाकर पावर 1/2 बनेंगे, और साइन थीटा 1 कब होता है, जब आपके पास एंगल कितना होता है 90 डिग्री की। तो देयरफॉर आपके पास जो दो वैल्यूज हमने यहाँ पर निकालनी थी, ठीक है, कौन कौन सी वैल्यू हमने निकालनी थी, हमने यहाँ पर दो वैल्यूज निकालनी थी इनकी, लोअर लिमिट और अपर लिमिट की, वो वैल्यूज हमने यहाँ पर निकाली है। पहले हमने साइन को एक्स को साइंस पहले हमने एक्स को पुट करा साइंस का थीटा, और साथ ही 1 - x होता है, इसलिए हमारा जब उसके अंदर जाएंगा तो वो हमारे पास अपने 1 - sin² का cos² फ्रंट टू कैंसिल हो जाएगा। आपने एक्स को लेट कर लिया साइंस का थीटा, आप भूल चुके हैं वैल्यूज और जिसकी लिमिट को चेंज करना, तो फिर आपका सम आपके हाथ से गया। तो जैसे ही आप कोई चीज़ सब्सटीट्यूशन करते हो है ना, तो आपको वहाँ पर उसकी लिमिट्स पुट करनी होती है। तो जैसे ही हमने लिमिट निकाली, फिर साथ में आपको डी एक्स भी करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो भी हमारे पास इसको हम डिफ्रेंशिएट भी करेंगे, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इस तरफ आपका डी एक्स ओवर डी एक्स आ जाएगा, दूसरी तरफ से पावर आगे आगे 2 sin थीटा, साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा, साथ में थीटा का डेरिवेटिव डी थीटा ओवर डी एक्स आ जाएगा। इस तरफ से 1 आ गया, डी एक्स आपका ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास डी ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू ऑफ डी थीटा हमारे पास आ गई, ठीक है, ये वैल्यू आ चुकी है। अब जैसे आपकी ये वैल्यूज आई, तो हम यहाँ पर सब्सटीट्यूशन करने वाले हैं इस इक्वेशन के अंदर, 0 से लेकर 1 का हमारा चेंज हो जाएगा, तो डी ऑफ हमारे पास टॉ 1/2 जिसके ऊपर हमने स्क्वायर कर रखा है हमारे पास, ठीक है, और यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, 0 से लेकर पहले हमारे पास था 0 से लेकर पहले हमारे पास था 0 से लेकर 1 था, अभी 0 से लेकर π/2 आ जाएगा, ठीक है, अभी 0 से लेकर π/2 आ जाएगा, और नीचे अनरूट के अंदर हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, 1 में अनरूट के अंदर 1 - cos था, तो वहां पर भी साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और डी एक्स की वैल्यू हमारे पास आ रही है 2 sin θ cos θ इंटू डी थीटा आ रही है हमारे पास। और यहाँ से हमारे पास क्या होगा, डी इतना हमने करा, ठीक है, सारे का सारा 1/sin² कर दिया, 1/, ये हमारा सिंपल है कि हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करें, इस तरफ साइंस स्क्वायर कर दिया, यहाँ पर साइंस स्क्वायर कर दिया, और डी एक्स की वैल्यू हमारे पास अभी वेटिंग में। तो 0 से लेकर π/2 डी आपके पास आ जाएगा, यहाँ से अनरूट आपका कैंसिल हो जाएगा, बाद 1/sin θ बच जाएगा, इस तरफ भी आपका जो अनरूट के अंदर 1 - sin² होता है वो आपका cos² θ होता है, और न्यूमिनेटर के अनदर आपको sin θ cos θ √θ देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, वो साथ साथ में चलेंगे। तो यहाँ से साइन एक साइन से कैंसिल कर देना, और हमारे पास 0 से लेकर π/2 है, साथ में 1 है, और 2 cos θ हमारे पास है इंटू डी थीटा। तो यहाँ से आपके पास जो cos θ की इंटीग्रेशन आपको पता है ना, आपका cos θ भी तो कैंसिल होना चाहिए ना यहाँ से,
सॉरी सॉरी सॉरी। तो जैसे ही आपका यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर से एंड रूट कैंसिल हो जाएगा और बाद में इस क्रॉस से आपका पूरे का पूरा क्रॉस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। ये हमने यहाँ पर कर दी, दो स्टेप कर दिए। अब हमारे पास डोमिनेटर कोई नहीं बच रहा है, मैं रिपीट कर देता हूँ। हमारे पास क्या होगा, एक तो जो आपका ना स्क्वायर है कॉस स्क्वायर का, वो आपके अंडरूट को कैंसिल कर देगा। दूसरा आपका कॉस जो है, जैसे स्क्वायर अंडरूट खत्म होगा तो कॉस ऊपर वाले कॉस से कैंसिल होगा, तो खाली आपके पास क्या बचा, टू बचा, बाकी सब कुछ बाहर चला गया। टू को हम बाहर रख लेंगे, ठीक है हमारे पास, और जीरो से लेकर हमारे पास फाइव है टू और वन इंटू डी थीटा हम यहाँ पर इंटीग्रेशन करने वाले हैं। टू हमारा बाहर आ जाएगा, अंदर वन की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा हमारा थीटा रहेगा, जीरो से लेकर फाइव बाय टू आ जाएगा। तो टू आपके पास है, थीटा की वैल्यू अपर लिमिट पुट करिए, पाई बाय टू माइनस लोअर लिमिट आ गई, तो जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारे पास पाई आंसर आ जाएगा। और ये आंसर हमारे पास किसका था इंडियन, ये हमारे पास टॉ ऑफ वन बाय टू का होल स्क्वायर का आंसर था। तो जहाँ पर होल आंसर था तो देखो फिर हमारे पास टॉ ऑफ वन बाय टू एक रिजल्ट हमारे पास आएगा अंडर रूट ऑफ पाई के इक्वल होगा, अंडर रूट ऑफ पाई। तो यहाँ से आज की इस पूरी लर्निंग के अंदर आपने दो तीन चीज़ें सीखी, एक तो आपका जो टॉ ऑफ एन होता है उसको आप लिख सकते हो एन माइनस वन टॉ ऑफ एन माइनस वन के अंदर, उसी टाउ को आप लिख सकते हो एन माइनस वन ऑफ फैक्टोरियल के अंदर, और उसी के अंदर हमारे पास टाउ वन की वैल्यू वन होती है और उसी टाउ के अंदर आपको वन बाय टू की वैल्यू आपको अंडर रूट ऑफ पाई होती है। तो अब वन बाय टू की वैल्यू हमें पता चल चुकी है, हमारे पास दो आर्टिकल्स हो चुके हैं, इनकी हमें हम हमारे काफ़ी सारे न्यूमेरिकल कर पाएंगे। तो नेक्स्ट वाला जो लेक्चर हमारे पास रहेगा उसके अंदर हमें एक तो डुप्लीकेशन फार्मूला आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, और जो डुप्लीकेशन फार्मूला के अंदर चीज़ें यूज़ होती है पहले हम वो चीज़ें करें। तो इस लेक्चर को थोड़ा ध्यान से सुन लेना, कहीं पर कोई मिस्टेक होगी तो उसे माफ़ कर देना, ठीक है। और बिकॉज मैं रोज़ ट्राई करता हूँ आपके लिए लेक्चर आने की, लेकिन थोड़ी सी जो हेल्थ इश्यूज साथ में चल रही है, ठीक है, उसके चलते थोड़ा सा मुश्किल आती है, लेकिन फिर भी हम भगवान यदि हमारे साथ हैं वाहिगुरु की कृपा करेंगे तो इस कंटिन्यूटी को हम ब्रेक नहीं होने देंगे अपनी ओर से, ठीक है। बाकी तो सब उसके हाथ में है, लेकिन मैं ट्राई करूँगा और आप भी चेक कर सकते हो कि पिछले कुछ फ्यू डेज से, मतलब अराउंड 20 डे के अंदर से रोज़ एक लेक्चर हमारे पास आपको अपलोड किया जाता है, वो आपके लिए हेल्पफुल है या किसी और के लिए, तो उसकी हम देख लेंगे, ठीक है, किसके लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, ठीक है।